Okay, Suresh, again, the past paper of probability. Now it's question number 10 from your past paper file, and it is from October, November 16. Okay. Question aapko diya gaya for a group of 250 cars, the numbers classified by color and country of manufacturer are shown in the table. ठीक हो गया, कलर है और कंट्री के हिसाब से आपको टेबल बनाकर दिया गया है. टोटल आपको 250 कार्स दी गई. वन कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार इज अ रेड और सिल्वर कार मैन्युफैक्चर्ड इन कोरिया. रेड हो या सिल्वर हो, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, रेड हो या सिल्वर हो और कोरिया से बनी हुई हो, तो दोनों को ऐड करो. 34 प्लस 30 कितना हो गया? 64 डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल कितना है हमारे पास? 250. ये प्रोबेबिलिटी आ गई. रेड या सिल्वर हो, कहां से? कोरिया से. डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट कितनी है? 250. 250 से आपने इसको डिवाइड कर दिया. ये प्रोबेबिलिटी आ गई. टोटल ग्रुप में से देखते हैं आप, ठीक है? हाँ, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. व्हाट इज द फाइनल आंसर? इन्फेक्शन. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 32 डिवाइडेड बाय 125. आगे देखिए. Not manufactured in Japan. Japan में manufacture ना हुई हो, तो Japan को हटाकर बाकी सबको add करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है. ₹190 divided by 250 क्या आंसर हुआ? 19 upon 25. ठीक हो गया. थर्ड पार्ट. अब क्या कह रहे हैं जनाब? एक्स इज द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार इज वाइट. सिलेक्टेड कार क्या हो? वाइट हो. इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्स कह रहे हैं. वाई इज द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी. वाई को हम क्या कह रहे हैं? जर्मनी में मैन्युफैक्चर्ड हो. सही है. बाई यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है? अब सुनिएगा. इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करते हैं? अगर एक्स वाई को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो फॉर्मूला क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का. तो अब आप देखिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई पर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है. 32 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 250. X वाली कार्स कितनी है जनाब? 32 प्लस 20 प्लस 26 कितना हो गया? 80 डिवाइडेड बाय 250. Y वाली कार्स कितनी है टोटल? कितना? 250. Y वाली कार्स कितनी है टोटल? 40 प्लस 32 प्लस 28. 100 डिवाइडेड बाय 250. लेफ्ट साइड मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया. 16 डिवाइडेड बाय 125. राइट साइड सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आया. होल आंसर 16 अपॉन 125. ये दोनों इक्वल हो गए. यस, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. यस, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. अब आप देखिए, 5 मार्क का क्वेश्चन. थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर ये फॉर्मूला के, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द पास्ट पेपर फाइल. क्या कहा गया जनाब क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन पढ़ लें पहले. द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल बस इज ऑन टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 0.6. इफ द बस इज ऑन टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट सैम द ड्राइवर गेट्स अ कप ऑफ. ओके, देखो इसके लिए हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं पहले. स्कूल बस ऑन टाइम या लेट. अगर टाइम पर आ रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6. अगर टाइम पर नहीं आ रही, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. अगर टाइम पर आ रही है तो ड्राइवर हैव कॉफी
सैम ड्राइवर गेट्स अ कप ऑफ कॉफी इज 0.9 एंड डज नॉट इज 0.1 नॉट ऑन टाइम तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी 0.3 नॉट डज नॉट इज 0.7 ये आपने डायग्राम बना ली ट्री डायग्राम अब आइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी दिस वन एंड दिस वन ऐसा ही है ना सो इन द फर्स्ट पार्ट क्या मैं कह सकता हूं आंसर इज 0.6 इंटू 0.9 प्लस 0.4 इंटू 0.3 व्हाट इज द आंसर आंसर इन डेसिमल बताइए ना सर 0.6 और 0.4 मिलियन सर 0.66 इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है given that and given that means conditional probability या given that means total आपके जो किस में से आपने calculate करना है probability जो given that के बाद लिखा हुआ total events आपको दिए हैं total events क्या है Sam does not get a cup of coffee does not get a cup of coffee means इसमें से does not इन दोनों में से किसकी probability निकालनी है बस इज नॉट ऑन टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दोनों में से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा डज नॉट के लिए क्या मैं कह सकता हूं 0.6 इंटू 0.1 प्लस 0.4 इंटू 0.7 इसमें से स्टार वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू 0.7 व्हाट इज द आंसर आपने जो पूछा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर पास्ट पेपर फाइल एंड इट इज May-June 16 एग्जाम राइट एमन साहब जो है वो ब्रेकफास्ट Aman's breakfast drink is tea, coffee or hot chocolate. ठीक है हमें tree diagram बनानी है In the first part, इसमें examiner ने कह दिया tree diagram बनाइए आप तो या तो Aman साहिबा जो है वो इनका drink tea होगा या coffee होगा और hot chocolate. With the probability of 0.65, 0.28 or 0.07. When he drinks tea, ये Mr. Aman है, Aman साहब नहीं, ये Arabic name, Mr. Aman. When he drinks tea, the probability that he has milk in it is 0.8. अगर टी है तो मिल्क की प्रोबेबिलिटी है 0.8 और नो मिल्क की 0.2 व्हेन ही ड्रिंक्स कॉफी द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज मिल्क इन इट इज 0.5 तो बच्चों द प्रोबेबिलिटी इज 0.5 एंड नो मिल्क इज 0.5 हॉट चॉकलेट के साथ तो मिल्क है ही वन ठीक हो गया तो नो मिल्क की जीरो सही 100% है लिखने की आप लिख सकते हैं नो इश्यूज अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक हो गया डायग्राम बना दिया सेकंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Aman's ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज कॉफी कॉफी हो Given that के बाद क्या आता है Given that के बाद क्या आता है Total events. Given that के बाद क्या आता है Total events. Now, given that his drink has milk in it. Milk in it. Milk in it. Milk in it. इसमें से कॉफी वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ठीक हो गया Now, अब आप देखिए डिवाइडेड बाय द फर्स्ट
पॉइंट सिक्स फाइव इंटू पॉइंट पॉइंट एट प्लस पॉइंट टू एट इंटू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट जीरो सेवन इंटू वन. ऊपर कौन सी ब्रांच आएगी? कॉफी वाली ब्रांच. पॉइंट टू एट इंटू पॉइंट फाइव, आंसर बताइए. जीरो पॉइंट वन नाइन टू इज द फाइनल रिजल्ट. आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. Okay, students, now question number 15. It is from October number 15. The first part, question kya diya gaya? In country X, 25% of the people have fair hair. In country Y, 60% have fair hair. There are 20 million people in country X, 8 million in country Y. A person is chosen at random from these 28 million people. Find out that the person chosen is from country X. Country X mein kitne million hai? Country X mein kitne million hai hamare paas? 20 million. Find the probability that the person chosen is from country X. So 20 million country X mein divided by 28 million total hai. 20 divided by 28. Kya result aega? 5 over 7. Million se million cancel ho gaya. Woh likhne ki zarurat hai nahi. Theek hai. Second part. Kya keh rahe hain? Find the probability that the person chosen has fair hair. Sahi hai? To ab aap dekhiye. Kya aisa ho sakta hai? X se fair hair ho. और कैसा हो सकता है? Y से फेयर हेयर हो. X कंट्री X से फेयर हेयर वाला है या कंट्री Y से फेयर हेयर वाला है? तो इस तरीके से अब हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा. सबसे पहले कंट्री X से अगर हम पिक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय टोटल सीन ना निकाल लिया 28. कंट्री X से अगर हम नहीं अलग अलग टीम निकाल रहे हैं. बच्चों एक काम करते हैं, हम इसकी ट्री डायग्राम बना लेते हैं, उससे मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी. जरा देखिएगा, या तो हम चूज करेंगे कंट्री एक्स या हम चूज करेंगे कंट्री वाई. कंट्री एक्स से फेयर नॉट फेयर, फेयर नॉट फेयर. कंट्री एक्स से अगर कोई चीज चूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 over 7. कंट्री वाई से कोई चूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो गया? 2 over 7. नाउ एक्स के फेयर हेयर कितने हैं? 25% 0.25 और नॉट 0.75. वाई के फेयर हेयर कितने हैं? 0.6 और नॉट 0.4. डायग्राम बन गई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन हैज फेयर हेयर. एक ही आया, एक ही आया. तो बच्चों 5 over 7 इंटू 0.25 प्लस 2 over 7 इंटू 0.6. क्या आंसर आया? सेवन अपॉन ट्वेंटी इज द फाइनल रिजल्ट. अब आइए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में सबसे पहले जो मेरी नजर गई वो गई कहां पर? गिवन दैट पर. गिवन दैट के बाद क्या होता है? टोटल इवेंट्स. गिवन दैट के बाद क्या होता है? टोटल इवेंट्स. गिवन दैट द पर्सन हैज फेयर हेयर, फेयर हेयर, फेयर हेयर, फेयर हेयर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके. किसमें से निकालना है? कंट्री एक्स. कंट्री एक्स ऊपर वाली ब्रांच. 5.7 इंटू 0.25. आंसर बताइए. 25 upon 49 is the final result. Are you clear? तो अब आप देखें, without diagram भी हो सकता था, लेकिन diagram बना लेते हैं तो चीज clear हो जाती है. Okay, students, now question number 30. In this question, first we have to complete this table. अब आप देखें, table को complete करने के लिए जो जो चीज मिलती जाए लिखते जाए. सही है जी? In a group of 30 adults, लिखा हुआ है total adults कितने हैं? 30. 25 are right-handed. कितने? 25. Right-handed कितने हैं? 25. आपने लिख दिया 25. मैं इसको red से fill कर रहा हूँ. 25 are right-handed. अगर 25 right-handed है, तो 30 minus 25 कितने रह गए यहाँ पर? 5. सही है नहीं? आगे. 8 wear spectacles. Wear spectacles कितने हैं? 8. 8 और 30. अगर माइनस करते हैं तो कितने रह गए यहाँ पर? 22 यहाँ पर रह गए. बात आ रही है समझ में? नाउ
the number who are right-handed and do not wear spectacles. Right-handed, do not wear spectacles. कितने हैं? 19. So 19 minus 22? 3. और 3 में कितने ऐड करेंगे? तो 5 हो जाएगा सामने वाला. 2. और 2 में कितना ऐड करेंगे? ये 8 हो जाएगा. 6. Table complete हो गया. तो ये जी, ये table हुआ हमारा complete. इसके बाद आगे देखिए. In the second part, an adult is chosen at random from the group. Event X is the adult chosen is right-handed. Right-handed क्या है बच्चों? X का event है. Right-handed क्या है? X है. और event Y क्या है? Adult chosen wear spectacles. Wear spectacles क्या है ये बच्चों? Y. ये Y है. सही हो गया? आपसे कहा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, चेक कीजिए. हमें पता है फॉर्मूला क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई पे कितने आ रहे हैं? 6 डिवाइडेड बाय 30. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितने हैं? 25 डिवाइडेड बाय 30. वाई कितने हैं? 8 डिवाइडेड बाय 30. लेफ्ट कितना हुआ? 1/5. राइट कितना हुआ? सॉल्व करके बताइए. 2/9. क्या है? 2/9. नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट. रिसीव कैसा आया उसका?